हम सभी के जीवन के लिए मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन में अपने अपने मित्र चुनते हैं। मित्र वो होता है जिसके साथ रहने में, जिसके साथ समय बिताने में आनंद मिले। किंतु क्या मित्रता का अर्थ केवल इतना ही है? मित्रता होनी चाहिए जल और दूध की भांति। जो एक साथ सदा मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं। जब दूध उबलता है तो जल भाप बनकर उड़ता है, ताकि दूध का अस्तित्व बना रहे। जब यह मिश्रण उफनता है तब दूध पात्र से पहले गिरता है, ताकि वो जल को बचा सके। मित्रता भी इसी प्रकार होती है। किंतु यदि दूध में तनिक भी खटास आ जाए तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार यदि मित्रता में संदेह आ जाए तो वो मित्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्र बनाएं, किंतु झूठे संदेह से सावधान रहें। जब तक तुम्हारे पास विजय धनुष है, इस संसार में कोई भी शत्रु तुम पर विजय नहीं पा पाएगा। मुझे अनुमान है कि क्यों आप मुझे आज विजय धनुष का स्मरण कराने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक चिरंजीवी गुरु का शिष्य आज मृत्युंजय बनेगा, जिसके सामने मृत्यु भी सर झुकाकर आएगी। ये आपके शिष्य का आपको वचन है गुरुदेव। मुझे तुमसे यही आशा है पुत्र, जो अपने वरदान का दान करके भी अपने मित्र का साथ दे, ऐसे शिष्य पर मुझे गर्व है। परशुराम को कोई इसलिए स्मरण करे या ना करे कि उसने धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, परंतु संसार परशुराम को इसलिए स्मरण अवश्य करेगा कि उसके शिष्य गण ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने आप को कवचहीन कर दिया। मैं कृतार्थ हुआ कर्ण, कृतार्थ। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल भरे जीते हर बाण कर्ण। छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा हो कर्ण।
सेनापुत्र, मैं चिरंजीवी हूं, परंतु तुम्हें मृत्युंजय बनना है। मृत्युंजय। मुझे देखकर तुम आश्चर्यचकित नहीं हुए मित्र? ब्रह्म मुहूर्त में आज जन्मदात्री मेरे पास आई। तर्पण के समय गुरुदेव आए और अभी उस श्राप का स्मरण हुआ। विश्वास हो गया माता कि आज का दिवस विशेष है और भान था कि ऐसे में माधव मुझसे अवश्य मिलने आएंगे और आप आ गए। यदि तुम्हें मेरे आने का भान था तो तुम्हें मेरे आने का कारण भी भान होगा राधे। कारण और निवारण आपसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है माधव। मेरा लक्ष्य परिवर्तन है और मेरा मार्ग है पराक्रम। हर पराक्रम का परिणाम परिवर्तन नहीं होता कौनते। यदि परिणाम परिवर्तन होता तो आज मैं तुम्हारा सारथी होता मित्र। जीवन बड़ा जटिल है माधव। कभी कभी मनुष्य लक्ष्य नहीं चुनता, लक्ष्य और मार्ग उसे चुन लेते हैं। मुझे भी प्रारब्ध ने अपना योद्धा चुना है। परंतु प्रारब्ध योद्धा नहीं बनाता मित्र, योद्धा प्रारब्ध बनता है। यदि तुम चाहो तो अब भी भारतवर्ष का प्रारब्ध बदल सकते हो मित्र। सारथी प्रस्तुत है। विलंब हो चुका है माता। ये सारथी अपना रथी चुन चुका है और ये रथी अपना मार्ग। मित्र, कुछ मार्ग नए प्रारंभ पर नहीं, एक अंत पर ले जाते हैं। मैं आपका मंतव्य समझता हूं माता, परंतु मैं अपना गंतव्य नहीं बदल सकता। आपसे एक विनती है, अपने रथी से कह दीजिएगा कि सज रहे, क्योंकि आज ये करण अपना द्वंद और अपना वचन दोनों पूर्ण करेगा। आज ये कौंतेय मृत्यु की गोद में अवश्य सोएगा। क्या ये तुम्हारा अभिमान है मित्र? We'll be right back.
ये अभिमान नहीं है वासुदेव, ये मेरा भान है। 14 वर्ष पूर्व एक अनुचित कार्य में ना चाहते हुए भी सम्मिलित होने का परिणाम है। आपने उचित कहा था माधव कि आपका चयन आपका भविष्य चुनता है, और मैं अपना चयन कर चुका हूं। माधव, आपकी मुस्कान सदा मन को शांति देती है। प्रणिपात माधव। यदि तुमने अपना निर्णय बदल दिया होता मित्र, यदि तुमने मुझे चुना होता, तो आज इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी होता। मन में है वो कह दो वृषाले। विजय लौटना। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे राधे की कीर्ति विजयी लौटेगी और तुम सदा उस पर गर्वित होगे। मेरे पश्चात तुम्हारे पास या तो परिवर्तन होगा या मेरी कहानी। मेरी विवशता ने तुम्हें बहुत प्रतीक्षा करवाई है वृषाली, परंतु मेरा शौर्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे अब इस युद्ध में विजय नहीं, उन पांडवों के शेष चाहिए। वचन दो मित्र,
वचन दो मुझे कि आज कम से कम एक कौंतेय पुत्र जीवित नहीं बचेगा और वो धनुर्धर होगा। मैं वचन देता हूं। अंगराज, मुझे मेरे दुशासन के मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। बस प्रतिशोध मिलेगा मामाश्री। जब कर्ण ने कह दिया कि कौन तय धनुर्धर सूर्यास्त नहीं देखेगा तो वो नहीं देखेगा। अच्छा, युद्ध में महाबली कर्ण तो पिछले एक सप्ताह से हैं और लगभग अर्जुन से ही इनका द्वंद हुआ है। प्रश्न तो ये है कि ये द्वंद अधूरा क्यों रह जाता है प्रतिदिन? क्यों, क्या कारण है कि अर्जुन प्रतिदिन बच जाता है? प्रतिदिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगराज कर्ण के बाणों में अब वो तेज नहीं रहा? यदि तेज नहीं होता तो आप जीवित नहीं बचते गांधार राज। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं और ये मैं आज सिद्ध करके रहूंगा। बस एक अंतर है हम दोनों के बीच मित्र। अर्जुन के पास वासुदेव जैसे सारथी हैं और मेरे पास नहीं। तो संकेत करो मित्र, कौन सारथी चाहिए तुम्हें? तो मैं चाहता हूं कि आज एक सूत पुत्र का सारथी एक क्षत्रिय बने। कौन मित्र? मैं चाहता हूं कि आज मेरे सारथी मद्रराज शैले हों। असंभव, सोचना भी नहीं कर्ण। यदि मुझे यह प्रस्ताव दिया गया तो इसी क्षण मैं युद्ध छोड़ता हूं। यह प्रस्ताव नहीं, आदेश है मद्रराज। और ये आदेश है युवराज दुर्योधन का, जिसे तुम टाल नहीं सकते हो क्योंकि तुम वचन में बंधे हो। आज अनुभव हुआ है बिना सोचे समझे किसी को वचन देने का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है युवराज, मुझे अंगराज का साथी बनना स्वीकार्य है, परंतु मैं कुल जाति और स्वभाव से सूत नहीं हूं, इसलिए हर पक्ष पर अपनी निरपक्ष कटु मंत्रणा दूंगा। क्या अंगराज को यह स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। आप रथ की राह संभालिए, युद्ध की भाग दौड़ मैं संभालता हूं। ठीक है अंगराज, मुझे भी स्वीकार है। रथ पे पदार्पण कीजिए, आपका साथी प्रस्तुत है आपके लिए। तुम्हारे रथ को मृत्यु की राह पे ले जाने के लिए। युद्ध भी विचित्र संगम होता है पार्थ। कभी रथी को सारथी के रूप में मित्र दे देता है, कभी सारथी के रूप में
एक रथी को शत्रु। मैं समझा नहीं माता। समझने का समय अभी शेष नहीं है धनंजय, अभी समय है युद्ध करने का। क्या तुम सज्ज हो पार्थ? जी माता। तो अपने बाणों की नोक एक बार फिर से जांच लो पार्थ, अपने गांडीव की प्रत्यंचा का तनाव एक बार फिर से अनुभव कर, क्योंकि आज का आने वाला युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा पार्थ। मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व और सबसे बड़े उद्देश्य के लिए सज्ज हूं माता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.